Hello students, today we will see an introduction of estimating, costing and contracting. उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? तो उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले need of estimating, उसके बाद हम देखेंगे need of costing, then we will see qualities of a good estimator and after that we will see at the last of our session that is element of cost, right student? So first start with need of estimating. Student, estimating का मतलब क्या रहता है? एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि एक प्लानिंग वैल्यू है जो अभी तक हमने खर्च नहीं की है, वो जो वैल्यू है वो जस्ट ऑन पेपर है, राइट? वो अभी तक खर्च नहीं हुआ है, राइट? वो हम जस्ट पेपर पे एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इतनी अमाउंट है दैट वी विल स्पेंड इन फ्यूचर. तो वो क्यों बनानी पड़ती है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो स्टूडेंट, उसको क्या करना पड़ता है कि अपनी जो सेलिंग पॉलिसीज है वो उसको तय करनी पड़ती है, राइट स्टूडेंट? उसके बाद पेपर में उसने कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट दी है या फिर कोई टेंडर की नोटिस पड़ी है और उसको वो फिलअप करना है, या वो गवर्नमेंट टेंडर हो या फिर प्राइवेट टेंडर हो, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो टेंडर को जो फॉलो करेंगे तो उसके लिए भी एक एस्टीमेट बनाना जरूरी रहता है, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद जो कंपनी में लेबर्स काम करते हैं उसको हमें सैलरी देनी पड़ती है, तो वो जो सैलरी हम देते हैं वो भी हमें एस्टीमेट करना पड़ता है कि इतनी सैलरी हम लेबर को देने वाले हैं. उसके बाद हमारी जो परचेस पॉलिसीज है वो परचेस पॉलिसीज भी हमें एस्टीमेट में तय करनी पड़ती है कि इतनी अमाउंट हम परचेस में डालने वाले. तो इन शॉर्ट एस्टीमेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक प्लानिंग वैल्यू जो अभी तक खर्च नहीं हुई है बट इन फ्यूचर डेफिनेटली वो खर्च होगी ही होगी, राइट स्टूडेंट्स? तो वो अगर हमने पहले से तय कर लिया हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बाद में हमारी कंपनी प्रॉफिट डेफिनेटली करेगी अगर हमने प्लानिंग प्रॉपर किया है तो. तो उसके लिए एस्टीमेट बनाना बहुत ही जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स? इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी नीड ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग की क्या जरूरत है. अभी हमने जो एस्टीमेट बना दिया था, राइट, वो एस्टीमेट जो था वो स्टूडेंट क्या था, वो एक ऑन पेपर वैल्यू था. अब हम क्या करेंगे, वो जो ऑन पेपर वैल्यू है उसको रियलिटी में हम स्पेंड करना शुरू करेंगे. तो उसका मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग जब हम निकालेंगे तब हमारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब कि सेलिंग प्राइस फाइनलाइज हो गई. उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, जनरली हमारे यहाँ फिनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है वो मार्च महीने से शुरू करके नेक्स्ट मार्च तक रहता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अवर गवर्नमेंट मार्च से लेके मार्च का सेशन होता है. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें कॉस्टिंग में रेडी करना पड़ता है. देन हमने जो तय किया था कि हम हमारे लेबर को ये सैलरी देने वाले हैं वो भी वहां पे फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो भी कॉस्टिंग में हमें पता चल जाएगा कि हमारे लेबर्स को हमने ये सैलरी दी है, राइट स्टूडेंट्स? फिर हमने अच्छे से अच्छा जो मटेरियल, रॉ मटेरियल्स जो मार्केट से हमने परचेस किए हैं वो भी वहां पे फाइनलाइज हो जाएंगे. तो कॉस्टिंग के अंदर हमें ये सब चीज की ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं पे हमारी जो मनी है, हमारे कंपनी के जो पैसे है वो ज्यादा तो खर्च नहीं हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ता है. तो वो एक कॉस्टिंग में बहुत ही हमें ध्यान से करना पड़ता है. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी क्वालिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, मतलब अगर फ्यूचर में आप एज अ एस्टिमेटर कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो सबसे पहली क्वालिटी है दैट आपको वहां की पूरी प्रोसेस का ख्याल होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? वहां की प्रोसेस का आपको ख्याल होना चाहिए. आप टेक्निकली स्किल होने चाहिए कि टेक्निकली आपके पास वो प्रोसेस का नॉलेज है कि नहीं, वो भी बहुत मैटर करता है. देन आफ्टर कि वहां जो जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद वहां क्या देखना पड़ेगा, मेंचुरेशन का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि एरिया है, वॉल्यूम है, बाकी और कोई प्रॉपर्टीज आपकी कंपनी जिसके ऊपर काम कर रही है वो भी आपको प्रॉपर आनी चाहिए, राइट? तो आप एज अ क्वालिटी एस्टिमेटर बहुत ही अच्छा काम कर पाओगे. उसके बाद जो वेजिस आप दे रहे हो वो आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, तभी आपके लेबर जो है वो आपसे खुश रहेंगे. तो दीस आर द क्वालिटीज विच शुड बी देयर इन यू व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग एज अ एस्टिमेटर, राइट स्टूडेंट्स? इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. तो अभी स्टूडेंट्स कॉस्ट के एलिमेंट क्या रहते हैं, तो कोई भी कंपनी होती है वो तीन कॉस्ट के ऊपर काम करती है. फर्स्ट कॉस्ट है दैट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकेंड वन इज लेबर कॉस्ट एंड थर्ड वन इज ओवरहेड कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स? तो अभी क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो या फिर ओवरहेड कॉस्ट हो, उसके अंदर दो दो पार्ट रहते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो अभी डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो कॉस्ट
हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, मतलब ऐसी कॉस्ट अगर वो बढ़ जाए तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और ऐसी कॉस्ट अगर वो कम आ जाए तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम आ जाती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है सुनस, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर वो कॉस्ट बढ़ जाए तो हमारे प्रोडक्ट के रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कई चीजें ऐसी होती है जिसका कॉस्टिंग बहुत कम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नट ले लें हम, तो नट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वो 1 या 2 रुपए का आता है, तो 1 या 2 रुपए में हमारी प्रोडक्ट में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 या 2000 रुपीज, तो 1 या 2 रुपए अगर हमारी प्रोडक्ट में बढ़ जाए तो उससे उतना फायदा नहीं होता। जबकि डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है, इफ अवर प्रोडक्ट इज ऑफ 1000 रुपीज, तो उसमें से 200 या 300 रुपए का फर्क पड़ जाए तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट टू कॉस्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट, वो हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें वहां पे अफेक्ट हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो मटेरियल के अंदर अभी क्या होगा, मटेरियल के अंदर हम कौन कौन से मटेरियल गिनेंगे, तो रॉ मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है, तो ये सब हमारे वहां पे जो मशीन्स है वो सब मटेरियल्स में हम काउंट करेंगे। लेबर के अंदर हम किसको गिनेंगे, लेबर के अंदर स्टूडेंट्स हम गिनेंगे इंजीनियर्स रहते हैं, मैनेजर पोस्ट पे जो काम करते हैं वो लोग रहते हैं, उसके बाद जो टेक्नीशियन हमारे यहाँ काम करते हैं वो आते हैं, हेल्पर्स जो हमारे यहाँ काम करते हैं, स्वीपर है, वो सबको हम लेबर में गिनेंगे। राइट स्टूडेंट्स, और लास्ट में आता है ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो अनएक्सपेक्टेडली जो आपने सोचा नहीं था और वो एक्सपेंस आ गया, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंस। तो ओवरहेड एक्सपेंस में हम किसको गिनेंगे, तो इंश्योरेंस होता है, कई बार क्या होता है कि हम पहले से मशीन ले तय नहीं किया होता कि ये मशीन हम लेंगे, बाद में जाके हम वो मशीन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका इंश्योरेंस लेंगे, तो वो एक ओवरहेड एक्सपेंस है। उसके बाद टेलीफोन का बिल आता है तो वो एक ओवरहेड एक्सपेंस है, हमें पता नहीं है कि कब वो कितना आएगा। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसको हम क्या गिनेंगे, ओवरहेड एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस होता है उसको हम ओवरहेड में गिनेंगे। राइट स्टूडेंट्स, जेरोक्स का जो एक्सपेंस होता है, आप जो जेरोक्स निकलवाते हो, प्रिंट निकलवाते हो, तो वो सारे जो एक्सपेंस है उसको हम किस में गिनेंगे, ओवरहेड एक्सपेंस में गिनेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसमें क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। राइट स्टूडेंट, तो अभी मटेरियल के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट में हम किसको गिनेंगे, ऐसा मटेरियल जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट कर जाए उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। राइट, अगर एक फैन बनाती हुई कंपनी है तो फैन की जो मोटर है, फैन के जो विंग्स है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल में हम किसको गिनेंगे, नट है, बोल्ट है, ऑयल है, ग्रीसिंग है, वो सबको हम किस में गिनेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल में गिनेंगे। अब बात करते हैं लेबर की, तो जो वर्कर हमारे यहां परमानेंट काम कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर्स है, मैनेजर है, वो सब, कोई स्वीपर है, तो जो हमारे यहाँ परमानेंट काम कर रहा है उसको हम डायरेक्ट लेबर गिनेंगे। जबकि जो वर्कर हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, मतलब कई बार क्या होता है हमारा बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त क्या होता है हमें 2-3 नए वर्कर की जरूरत या फिर कई ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर को बुला लेते हैं। तो स्टूडेंट उस वक्त क्या होगा कि वो जो वर्कर्स है उसको हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बट वो पैसे हमने पहले एस्टीमेट में नहीं गिने थे, वो कॉस्टिंग हमने एस्टीमेट में नहीं गिनी थी, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली गई। राइट स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारे एस्टीमेट में है ही नहीं। तो इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन से लेबर आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर है वो सब इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड में आपने अभी हमने देखा दैट डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, तो टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, वो सब डायरेक्ट ओवरहेड में आएगा। तो इनडायरेक्ट ओवरहेड में क्या आएगा, वीआईपी गेस्ट ट्रीटमेंट। अभी आपके वहां कोई भी कस्टमर आता है, कस्टमर हमें पता नहीं है कि वो इंडिया से ही आएगा या फिर आउट ऑफ इंडिया से आएगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी खातिरदारी करेंगे, तो उसके लिए हम उसको सपोज कोई होटल में स्टे दे रहे हैं, तो स्टूडेंट उसमें क्या होगा कि वो जो स्टे हम दे रहे हैं वो पैसा हमें बिल के फॉर्म में उसको होटल वाले को पे करना पड़ेगा। राइट, तो वो जो एक्सपेंस है दैट इज ओवरहेड एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट है क्योंकि हमने एस्टिमेट नहीं किया था कि हमारे यहां कोई कस्टमर बाहर से आएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर ओवर